तो छठा चरण कौन मारेगा मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। कल छठवें चरण का सियासी घमासान होगा। कई बड़े दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है, कई बड़े दिग्गज। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाग्य भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अपने निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में, अपने गढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, सुभावती शुक्ला। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र भले ही योगी आदित्यनाथ का है, मगर 2017 का इतिहास और 2022 बीजेपी भी जानती है कि 2017 नहीं है, 2022 है। सरयू में कई ज्यादा पानी बह चुका है। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी हैं। 2017 का जिक्र मैंने किया और विधानसभा चुनाव में 57 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी और 2 सीटें उनके सहयोगी दल अपना दल एस ने, और साथ ही साथ 16 भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा जो अब सपा के साथ है उसने जीती थी। हालांकि सुभाषपा का नुकसान कितना हो रहा है बीजेपी को, इसका आकलन बीजेपी कर रही है, मगर छठे चरण के 10 जिलों में यह चुनावी बिगुल बज रहा है। कल वोट डाले जाएंगे। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, काशीपुर, देवरिया, बलिया, 57 विधानसभा सीटें आती हैं जहां पर वोट पड़ेंगे। तो छठे चरण का मतदान कौन मारेगा बाजी, कौन मारेगा मैदान, और क्या 2017 का करिश्मा दोहरा पाएगी बीजेपी। 10 जिलों की 57 सीटों पर यह मुकाबला होना है और 6 दौर का मतदान, 7वां चरण होगा बाकी। अब गोरखपुर खास क्यों है वो भी समझिए। पहली बार विधानसभा का चुनाव यहां योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। पहले वो 5 बार से सांसद रहे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाई, बहुत कमजोर स्थिति में रही। गोरखपुर मंडल की लगभग 29 सीटें हैं और बीजेपी के खाते में कितनी रही, 23 सीटें। सिर्फ गोरखपुर की ही मैं बात करूं तो 9 सीटों वाले गोरखपुर में 8 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी और 1 जीत मिली थी बीएसपी को। और अब गोरखपुर मंडल सियासत का केंद्र बन चुका है। इसकी वजह भी मैं आपको आगे दूसरे नजरिए से भी समझाऊं, लेकिन आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो है देवेंद्र प्रमुख साहब, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ संजीव चौधरी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे विपिन शर्मा साहब। अगर मेरे सहयोगी मुझे इत्तला करें कि वो जुड़े हैं या नहीं जुड़े तो मैं कार्यक्रम को आगे शुरू करूं। और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देवेंद्र प्रमुख साहब, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी तिलक जी, कैसे हैं प्रमुख साहब? मैं अच्छा हूं, आप बताइए। प्रमुख साहब, गोरखपुर मंडल सियासत का केंद्र बन गया है और आप लोग कह रहे हैं कि अब की बारी भगवाधारी, देखिए भगवा आपने भी डाला होगा और आज भगवे की एक और तस्वीर आई है, उसका जिक्र मैं आगे करूंगा, लेकिन भगवाधारी आक्रामक हिंदूवादी छवि, क्या ये योगी जी का भी लिटमस टेस्ट है कि नहीं? प्रमुख साहब देखिए, तिलक जी आपका क्वेश्चन बड़ा गहन होता है, इससे आसानी से जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि
एक जवाब दिएंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। भगवादारी की बात आपने की है और उसी सवाल में हिंदुत्व की भी बात कर दी और फिर गोरखपुर का नाम आ गया और 57 में से 40 सीटों का भी नाम आ गया, तो कई क्वेश्चन एक साथ हो गए। भगवादारी भी है, हिंदुत्ववादी भी है और देश के लोकतंत्र को मानने वाले, लोकतांत्रिक सरकार चलाने वाले सत्ता के लोग भी। परसों में मठ गया था, मठ बाबा जी के मठ में जी, जानने के लिए कि लोगों का मिजाज क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं। मैं जानता हूं जिस गढ़ में मैं गया था वहां पर लोगों का जवाब क्या आना था, लेकिन लोगों ने यह कहा कि सब कुछ छोड़िए किनारे, हमारे लिए हिंदुत्व महत्वपूर्ण है, हम इसलिए योगी जी को चुनेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि वक्त और हालात इस बात का तस्दीक दे रही है कि यह 2017 नहीं है। देवेंद्र प्रमुख साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तिलक जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक क्वेश्चन है। मैं 2017 के उस पर नहीं जाना चाहता, एक छुपी हुई तस्वीर थी, क्लियर नहीं थी, फर्क कितना है। लड़ाई तब भी लोकतांत्रिक थी, लड़ाई आज भी लोकतांत्रिक है, फेस सामने है। लोगों ने 5 वर्ष तक काम को देखा है, व्यक्ति को देखा है, आज फेस का चुनाव है, व्यक्ति का चुनाव है और खुलकर स्पष्ट तस्वीर साफ है कि भारतीय जनता पिछली बार आपने 2017 में 57 सीटों में से 46 सीटें जीती थी, अगर मैं सही हूं तो जी। तब उस वक्त आपके साथ सोलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, आज ये सब आपके खिलाफ खड़े हैं। नहीं, आज भी है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहां चले गए? कहां चले गए? कहीं नहीं गए, हम लोगों के साथ खड़े हैं। और असली स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारे पुराने साथी थे, हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारी पार्टी को मेहनत करने वाले कर्णधार के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य नहीं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं। नहीं, उनका तो मुझे ज्यादा पता नहीं है तिलक जी, उनका तो आना जाना लगा रहता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ता? अच्छा, उनका आना जाना लगा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, पीछे भी कहीं से आए थे और अगली बार अब अपना काम निकाल के अगली जगह चले गए, तो लोग भी समझते हैं ऐसे लोगों को। उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं, कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बाबा जी अपना गढ़ बचा लेंगे। गढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, मैं गोरखपुर मंडल की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। तिलक जी, इस अच्छे क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। मैं बाबा जी के रूप में ये कहूंगा कि महाराज श्री जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज अपने दम पर, अपने फेस पर पूरे उत्तर प्रदेश को बचाने जा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूती से पेश करने जा रहे हैं और एक शानदार सरकार इस प्रदेश को देने जा रहे हैं। जो वादे किए थे कोविड काल को छोड़कर, ज्यादातर पूरे किए हैं। लोगों को विकास के साथ सुशासन दिया है, एक स्ट्रांग शासन जो देश प्रदेश में होना चाहिए। अभिमन्यु त्यागी, अभी मेरे साथ बाकी आप बाकी 60 वर्ष लगे पैनल में बाकी लोग जुड़े, लेकिन अभिमन्यु त्यागी मैं उससे आपसे जोड़कर इस सवाल को लेना चाहूंगा। आप कांग्रेस के चेहरे हैं, क्या लग रहा है आपको अभिमन्यु त्यागी, इस बार की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? 2017 का करिश्मा दोहरा पाएगी बीजेपी लगता है आपको? अभिमन्यु त्यागी जी, आपको नमस्कार और पैनल में मौजूद प्रमुख साहब जी को भी नमस्कार। देखिए, अब की बार वो लहर कहीं उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिख रही है। पहले चरण की बात करें तो वहां पर ऐसा भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको कई जगह से भगाया भी गया जनता के द्वारा। दूसरे चरण में भी ऐसी हुआ है, तीसरे चरण में भी ऐसी हुआ। और दूसरी बातें जो देखने को आई कि किसान परेशान रहा, किसानों की चुनौती पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो निकल कर गई, उसके बाद रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया, महंगाई बड़ा मुद्दा है,
अगर ये लोग सचमुच में काम करते तो 80 बनाम 20 बुलडोजर कब्रिस्तान अली बाहुबली बजरंगबली चरणी उतार दूंगा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं छठे चरण के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। अगर इतने सारे मुद्दे थे तो जनता आपको वोट कर रही होगी ना बंपर कांग्रेस को। देखिए बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। धर्म जाति के मुद्दे पर देवेंद्र प्रमुख साहब थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, धर्म के नाम जाति का जिक्र ही नहीं किया। धर्म उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है कि हमने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को बंपर वोट पड़ रहे हैं इसका मतलब? देखिए हमें निश्चित ही बंपर वोट पड़ेंगे। और दूसरी बात, धर्म का नाम लेते ही आपने भाजपा क्यों समझा? सपा भी तो हो सकती है। अच्छा, धर्म के नाम पर उन्होंने तुष्टीकरण किया। आपके नेता मुझे जाति के नाम पर समझा रहे थे कि ये धर्म के नाम पर बांटते हैं, वो जाति के नाम पर। मैंने इसलिए कहा कि आप प्रमुख साहब पर अटैक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा। नहीं जी नहीं, दरअसल क्या है कि धर्म के नाम पर भी सपा भी चुनाव लड़ती है, धर्म के नाम पर भाजपा भी चुनाव लड़ती है। दोनों ध्रुवीकरण चाह रहे हैं। हम ऐसे समय में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको जीवित रखने का काम कर रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानी की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, भाईचारे की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो। नहीं, आप नारे लगा रहे हैं। आप रोजगार बताइए कि गोरखपुर और खास तौर पर जहां पर चुनाव होना है 10 जिलों की 57 सीटों पर कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर? हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहीं से लड़ रहे हैं इस वाले चरण में ही। वो जीत के निकलेंगे लगातार, वो तो मोदी लहर में भी जीत के आए, अब की बार वो फिर जीतेंगे, तिवारा जीतेंगे लगातार। और इसके अलावा जो एंटी इनकम्बेंसी वो भाजपा के साथ है, हारना इनको ही है। जो इन जो गए सिटिंग विधायक भी गए इनके दल से गए हैं, वो भी इनके खिलाफ खड़े हैं। संगठन में भीतर गाते हैं भाजपा के खिलाफ है। बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, वो सब भी सवाल भाजपा के साथ है। और तो और जो उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी भाजपा जो चुनाव है में है, भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ जा रही है। देखिए मुस्कुराइए मत, निश्चित ही विपक्ष के पक्ष में आएगा, उसमें कांग्रेस को बड़ा हिस्सा मिलने वाला। अच्छा, कांग्रेस को। प्रमुख साहब आपका रिएक्शन, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर ले, मुझे अभी तक पता नहीं चला, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, इसमें तिलक जी मेरी सहानुभूति है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के मित्र हमारे त्यागी जी बैठे हैं, वो हमारे भाई हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि सपा के लिए भी कहा, मुझे अच्छा लगा, और वो भाजपा के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखने का सबका अधिकार है और वो सुननी भी चाहिए, तो माननी भी चाहिए। कहीं ना कहीं तक जो आज सपा की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से कोशिश की जा रही है, बेशक कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है दिन पे दिन, और कांग्रेस का अस्तित्व भी कमजोर हुआ है, लेकिन कम से कम एक चीज अच्छी लग रही है कि वो पीछे दो लौंडों की जोड़ी वाली जो बात चली थी काफी दिनों तक, और नेताजी के नाम पर आया था कि साइकिल का पहिया और हाथ का पंजा, कहीं ना कहीं प्रियंका जी ने ये ठीक किया कि अपने आप को बचाने की उन्होंने कोशिश की है। कम आए या ज्यादा आए, वो अलग लड़ रहे हैं, अच्छी लगा, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, क्योंकि ये डूबते हुए जहाज में जब आदमी सवारी करता है तो बैठने वाला जो है वो जल्दी डूबता है, वो ज्यादा हाथ पैर मारता है, इधर उधर कोशिश करता है बचने के चक्कर में, और जल्दी डूब जाता है। तो ये जहाज जो डूब रहा है इसमें कांग्रेस कम से कम खड़ी तो है, दो आए चार आए या उनकी 10 भी आए, मैं तक उन्हें कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पार्टी है, प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बेशक उनकी सहानुभूति किसी के रहो, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई है। और लोकतंत्र यूक्रेन में भी बचा लीजिए ना, बच्चों को भी बचा लीजिए। लोग देखिए यूक्रेन में आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ये समझा नहीं आपका तिलक जी, जिस तरह से यूक्रेन का आपने जिक्र लिया किया है, यूक्रेन में एक मिसाल बनी है, फिर मैं वहीं आता हूं, दुनिया में एक मिसाल बनी है कि ऐसी स्थिति में भी भारत के लोकतंत्र को यूक्रेन ने माना है, और भारत के लोकतंत्र में यूक्रेन ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों ने भी तिरंगा झंडा लगाकर, भारत माता की जय के नारे लगाकर अपने आप को बचाया है। लोकतंत्र की यही एक पहचान होती है, और ये काम हमने यूक्रेन में कर दिया है। अच्छा, हमारे जो छात्र वहां हैं उनको ज्यादातर हम ले आए हैं, अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों की भी मदद की है, जैसे कोविड काल में
हमने 6 करोड़ वैक्सीन हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के विपक्षियों ने खराब कराई, लेकिन फिर भी आसपास के कंट्रियों को जिनकी हिम्मत नहीं बननी थी, जिनके पास वैक्सीन नहीं थी, उनको वैक्सीन देकर उनका जान बचाने का काम किया। आज यूक्रेन में भी हमने वही काम किया। अच्छा, फंसे हुए लोगों को, पड़ोसी देशों के बच्चों को भी और स्टूडेंट जितने वहां फंसे हुए थे उनको निकालने का प्रयास किया है। अपनों के साथ साथ अपने पड़ोसियों की भी हमने मदद की है। प्रमुख साहब सुनाऊं आपको, संजीव चौधरी भी जुड़ गए मेरे साथ। अभी तो देखिए, अभी सत्ता के सपने देख रहे हैं तब ये हाल है। अब साकार पूरा होगा सपना तो फिर सोचिए क्या हाल होगा। लेकिन प्रमुख साहब दिखाऊं आपको आपके नेता क्या बोल रहे हैं, आपके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी क्या बोल रहे हैं सुनाऊं आपको। नहीं मुझे नहीं, आप कह रहे कि भैया हमें क्रेडिट दे दो। बच्चों को निकालने के लिए सरकार करेगी ना काम। अब संजीव चौधरी से उम्मीद करेंगे अभिमन्यु त्यागी से कि जाओ भैया विपक्ष में बैठो कि लेकर आओ बच्चों को। मैं दिखाता हूँ सरकार तो और भी है, मैं दिखा देता हूँ। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है, अच्छा पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको, ये वो क्यों नहीं निकाल पा रहे। नीट को लेकर जो बयान है जो खासतौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का वायरल हो रहा है, वो बयान मैं आपको सुनाता हूँ। व्यक्तिगत बयान पर मैं सफाई नहीं दे पाऊंगा। मैं सुना देता हूं आपको सर, सुना देता हूं। नहीं, कोई फायदा नहीं है आप उससे। नहीं, डिबेट को आप लोग कीमती समय खराब करें। नहीं, कीमती समय बढ़ाइए। मैं खराब थोड़ी ना कर रहा हूं समय सर, मैं सुना देता हूं आपको। आपका मन करे, आपकी इच्छा, आपका मन करे तो आप इस बयान पर सफाई दे दीजिएगा, वरना बोल दीजिएगा मेरे को मत सुनाओ, मैं नहीं सुनाऊंगा। ठीक है सर, एक बार सुन लीजिए, प्लीज प्ले करिए। जो नीट का बयान है प्लीज वो प्ले करिएगा, जिसमें सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अपनी बात को रख रहे हैं। प्लीज प्ले करिए। देयर इज नॉट द क्वेश्चन, इट इज नॉट द टाइम टू डिबेट। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತವರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 90% ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಸ್ಟು ಅದು ಈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಬ್, मेरे मित्र राहुल लाल भी जुड़ गए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। मैं आपको बता देता हूं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि विदेश जाने वाले 90% स्टूडेंट यानी कि छात्र भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में फेल हो जाते हैं। अब बताइए, वो फेल होते हैं, पास होते हैं, वो वहां जाते हैं, किसकी उपलब्धि, किसकी खामी? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, बोलना चाहेंगे इस पर कुछ आप? देखिए तिलक जी, बोलने से ये फायदा, जब तक किसी बयान का पूरा जो है निष्कर्ष निकाल कर नहीं लाए, पूरा क्वेश्चन इतना बड़ा होता है और उसका नीचे 4 लाइन में पूरा निष्कर्ष होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही निष्कर्ष आता है। अब मैं इस पर जल्दबाजी होगी कोई जवाब दूंगा उनका, कितना मकसद था, क्या बोले वो, कितना लंबा वो था। ये कह रहे हैं कि जो 90% स्टूडेंट होते हैं भारत में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा जो नीट होती है उसमें फेल हो जाते हैं। ये कोई पार्टी का बयान हो तो मैं इस पर बोलूंगी व्यक्तिगत, हो सकता है उन्होंने केंद्रीय मंत्री इस तरह के व्यक्तिगत बयान देते हैं। देखिए मैं एक चीज और क्लियर करता हूँ तिलक जी, मैंने ये स्पष्ट कहा है कि किसी भी बयान पर, अगर ये बयान अच्छा भी होता मैं तब भी उस पर इतनी जल्दी अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी कोशिश नहीं करता। ये बयान इस तरीके के होते हैं कि जब इनसे पूछा जाएगा जिन्होंने बयान दिए हैं तो इसका मतलब भी कुछ और निकल कर आएगा और वो इस पर सफाई देंगे। अच्छा, पहले ही कह रहे उन्हीं से पूछो, मुझसे मत पूछो। आप यही कह रहे हो ना कि आप उन्हीं से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। ठीक है सर, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछता, पूछने का आपका अधिकार है। नहीं नहीं प्रमुख साहब, नहीं पूछता। संजीव चौधरी भी जुड़ गए। संजीव चौधरी जी, राहुल लाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव चौधरी जी, प्रमुख साहब कह रहे हैं कि 2017 का करिश्मा दोहराया जाएगा, आप चिंता मत करिए, 10 जिलों की 57 सीटों पर छठे दौर के मतदान में जैसे कि पिछली बार हमारी 46 सीटें आई थी, इस बार भी वैसे ही आएंगी, गलतफहमी मत पालिएगा, क्योंकि मसला गोरखपुर का है। संजीव चौधरी जी, नमस्कार। तिलक जी बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, प्रमुख साहब हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं इनके ज्ञान के लिए एक चीज बता दूं कि प्रमुख साहब वही गोरखपुर था
जो आप उपचुनाव हारे थे, यदि आपने काम किया होता तो आप पार्लियामेंट्री चुनाव ना हारते, और बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे थे। और उस चुनाव में मुझे याद है, उस चुनाव में मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी से और आपकी तमाम टीम चुनाव में लगी थी और आप उस चुनाव को हार गए थे। ये तो आप हिंदू मुसलमान करा देते हैं प्रमुख साहब, और हिंदू मुसलमान करा के पब्लिक को भटका देते हैं। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव होने जा रहा, ये एक वही महाभारत है जो पीछे एक महाभारत हो चुकी है। ये आप लोग कौरवों की सेना हो और सामने आपके पांडवों की सेना खड़ी है, और जीत आपको भी पता है प्रमुख साहब कि किसकी हुई थी और किसकी नहीं हुई थी, आप भी जानते हैं इस बात को। और आपको मैं बता दूं, यदि आपने काम किया होता तो आपको उत्तर प्रदेश में पहले चरण में, आप पहले चरण के आसपास ही रहते हैं, आपको पूरी जानकारी है पहले चरण की प्रमुख साहब, एक भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें आप निश्चित तौर से जीतने जा रहे हो। दूसरे चरण में आपका सफाया हुआ, ये केवल उसका कारण है कि आपने काम नहीं किया, विकास नहीं किया, किसानों को गालियां दी, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाई, किसानों के 700 किसानों के उनका क्या दोष था उन किसानों का जिनके आप 700 किसानों के दोती हैं। तीसरे चरण में आपका सफाया हुआ, चौथे चरण में आपका हुआ। प्रमुख साहब को कह रहे 2017 का इतिहास उठाइए और उससे पहले का इतिहास देखिए। गोरखपुर की 9 सीटों में से एक सीट बीएसपी को मिली थी, 8 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, उससे पिछला इतिहास उठाइए। आपकी बार जीरो है, आपकी बार गोरखपुर की सीट जीरो है। आपके कहने से थोड़ी ना मान जाएंगे कि जीरो है। नहीं, मेरे कहने से नहीं, जनता बोल रही है, जनता बोल रही है। ये इतने बौखला चुके हैं कि हमारे नेताओं के ऊपर हमला करा ले, हमारे नेता पर। जब इनकी तरफ स्वामी जी जब इनके पास थे तो बहुत अच्छे नेता थे, और आज वो हमारी तरफ इनकी गलत नीतियों को ठोकर मार के हमारी तरफ आ गए तो आज वो बहुत बुरे हो गए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का फायदा ये किस तरीके की सोच है? ओके, ये किस तरीके की सोच पे चल रहे हैं? मैं दिखाऊंगा वो बयान सुनाऊंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान सुनाऊंगा। लेकिन राहुल लाल जी, 2017 का करिश्मा तो रहा पाएगी बीजेपी? प्रमुख साहब कह रहे कोई दिक्कत नहीं, गोरखपुर है। और अभी हमारी टीम, अभी 2 दिन पहले हम खुद मठ भी गए थे, मैं खुद वहां पर गया और वहां के लोगों से पूछा, मैंने कहा हाल क्या है, तो बाबा जी के गढ़ में तो मामला ठीक है, ओके है, लेकिन मसला गोरखपुर की 9 सीटों का है और मंडल की लगभग 27 सीटें हैं जहां खेला होबे। अभी खेला होबे पे भी आऊंगा मैं, क्या चल रहा राहुल? देखिए, इस बार की स्थिति 2017 की इससे बिल्कुल अलग है, और जो सोशल इंजीनियरिंग का निर्माण एक तरह से समाजवादी पार्टी ने किया है, जो अलग अलग छोटे छोटे दलों को जोड़ा है, वो काफी एक सफल सोशल इंजीनियरिंग का निर्माण किया है। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी वहां पर जुड़ी हुई है, तो इसलिए चुनौतियां बहुपक्षीय है यहाँ पे। इसलिए ये कहना कि नहीं हम तो बिल्कुल 2017 वाली स्थितियों को दोहरा देंगे, भाई 2017 में आपने बड़ा फलक, व्यापक फलक तैयार किया था। ये देखिए, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये जो पूरा का पूरा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहां पे किस तरह से छोटी छोटी जातियों का एक काफी बड़ा जो है कि समूह है वहां पे, और उन समूहों को भारतीय जनता पार्टी सफलता ढंग से 2017 में जोड़ चुकी थी। लेकिन 2022 तक में आते आते उनका फलक छोटा हो रहा है और विपक्षी गठबंधन का फलक बड़ा हो रहा है, तो इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप अगर फील्ड पे गए, आप तो फील्ड पे गए, मैंने देखा है आपको, तो आपने फिर तो उसको महसूस भी किया होगा, तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही है वो उसी तरफ संकेत करते हुए हैं। इसलिए ये कहना कि हम सीधे 2017 को 2022 में रिपीट करेंगे, ये बोलने के लिए अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूं, छठा और सातवां चरण बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती वाली स्थिति है, तो चौथे और पांचवें चरण में एक तरह से कांटे की टक्कर की स्थिति रही, लेकिन ये दोनों चरण में यहां पर इनको एक कठोर मुकाबला का सामना करना पड़ेगा। अभी आप देखिए, एक बयान सुना रहे थे जब मैं कार्यक्रम में जुड़ा था, पढ़ने के लिए कौन गया है, मैं जरा सा उस मामले पे भी एक लाइन बोलूंगा। मैं जी मैं कह रहा हूं कि देखिए, वो छात्र, उनकी योग्यता क्या है नहीं है, वो अभी युद्ध के क्षेत्र में फंसे हुए छात्र हैं और वो पीड़ित हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के छवि को बचाने के लिए उन छात्रों पर ही आज बुरा भला कहा जा रहा है। आप देखिए, ये किसकी कमी थी, 15 फरवरी तक, फर्स्ट 15 फरवरी को पहला एडवाइजरी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि दूसरे देश 2-3 फरवरी के आसपास तक निकालना शुरू कर दिए थे। और मैं उसके बाद तैयारी कैसी थी कि 15 फरवरी के बाद आपने घोषित भी कर दिया कि वहां से लोगों को आना है,
तो एयर इंडिया के तीन फ्लाइट की घोषणा की गई थी, 18 फरवरी की फ्लाइट, 24 फरवरी और 26 फरवरी की, तो आप कोई तैयारी नहीं थी। अब जबकि बिल्कुल मामला फंस चुका है, देखिए जो बॉर्डर पे आ गए उसको तो सरकार लाके वाहवाही लूट रही है, चुनाव में प्रचार भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से कीव और खार्किव वगैरह जगह पर छात्र फंसे हुए हैं, काफी भयंकर हमले हो रहे हैं वहां पे, उनको निकालने के लिए सरकार की क्या रणनीति, अब तक स्पष्ट नहीं है ये मामले, जबकि भारत सरकार की महारत रही है इस पूरे मामले में। लेकिन मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव था, इसमें यूक्रेन में छात्र फंसे रह गए और आज संकट की स्थिति उन्हें निकाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव नहीं होता तो ये छात्र भी भारतीय संसद में, योग्यता के आधार पर क्या बाहर निकाला जाएगा, क्या उनको योग्यता के आधार पर ही आप कहेंगे कि भैया आप मेडिकल में फेल हो गए, आप टेंथ में फेल हो गए, अब फिर बारहवीं करने के बाद मैट्रिक की बात भी आ जाएगी ना प्रमुख साहब, छोड़िए उसको अब उस बात को। लेकिन खैर मैं आ रहा हूं एक और मसले पर, और एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा जो आज की तस्वीर है, कुछ क्षण पहले की तस्वीर है, और मसला सीधे तौर पर ममता बनर्जी से जुड़ा हुआ है। उस तस्वीरों को लेकर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों को मैं पहले दिखाना चाहूंगा और फिर मैं उस पर आऊंगा। पहले प्लीज अपने सहयोगी से चाहूंगा कि ममता बनर्जी वाली तस्वीरें जो आई हैं उनको प्ले करिए, और ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं प्रमुख साहब, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें ममता बनर्जी को बनारस में काले झंडे दिखाए गए, और दावा यह किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ममता बनर्जी आपको दिखाई दे रही होंगी इन तस्वीरों में, बनारस पहुंची हैं अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने के लिए, और उससे पहले भाजपाइयों ने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं, और ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। ममता बनर्जी को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और दूसरी तरफ काले झंडे दिखाते हुए भाजपाई कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, और दावा यह किया जा रहा है कि भाजपाइयों ने काले झंडे दिखाए ममता बनर्जी को। अब इस पूरे मसले को लेकर प्रमुख साहब, मैं आगे अखिलेश का ट्वीट भी दिखाऊंगा जो अखिलेश यादव ने कुछ क्षण पहले ट्वीट किया है, वो दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन सबसे पहले प्रमुख साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रमुख साहब, ममता बनर्जी प्रचार करने आ रही हैं, अखिलेश यादव जी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं, मेरा सवाल कुछ हटकर है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब बोलेंगे दीदी, ओ दीदी बोलेंगे, लगता है आपको? किलन जी, एक तो सबसे पहले मैं क्लियर ये कर देता हूं आपको, बड़ी शांति और शालीनता के तरीके, क्योंकि मैं हर बात तर्क के साथ बोलता हूं। नहीं, ये क्या मैंने कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया? दीदी और दीदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते थे, मैंने कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया प्रमुख साहब। मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो आपको हमेशा अच्छा शानदार एंकर समझता हूँ, और खाली बोलने के लिए नहीं, आपकी आपकी सोच और आपकी जो है, मैं आपकी बुद्धि के लिए भी, जो आपकी तत्परता के साथ काम करती है निष्पक्षता के लिए भी आपको मानता हूं। तिलक जी, जिस तरह से अभी कांग्रेस के मित्र ने सवाल उठाया था कि बीजेपी वालों पर डंडे चले या रोके उनको, तो आप इसे कहीं से कहीं तक साबित नहीं कर सकते कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बनारस में और पार्टियों के कार्यकर्ता हो सकते हैं। अच्छा, ये आप कह रहे, जो बंगाल में हुआ, ना, जो चुनाव के बाद कत्लेआम मचा, जो हिंदू भाई वहां काट दिए गए, जो भगवाधारी रखते थे उनके घर जला दिए गए, हो सकता है उनकी दुखी होकर आम लोगों ने ये विरोध किया हो, इसमें कैसे आप साबित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आप खंडन कर दीजिए? नहीं, भाजपाई है, मैंने ये कहा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भाजपाई है, आप खंडन कर दीजिए, कोई भाजपाई नहीं है, मैं कह दूंगा कि नहीं है, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं दोबारा। ना, चौधरी साहब के पास मैं इसका उदाहरण देता हूं, मैं बताता हूं, इसका एक उदाहरण देता हूं सर, थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए ऊपर की तरफ, मैं वो देखना चाहता हूं जो आपने भगवा गमछा डाला हुआ है। हाँ बिल्कुल है, मैं दिखा देता हूं। हाँ सर, ये है ना सर, अब मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि दावा किए आप हैं भाजपा नेता, है ना सर, अब मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। भाजपा नेता से अलग मेरा भगवा का अपना प्रेम है जी, आप हो सकता है मैंने नहीं पहन रखा, मेरा भी प्रेम हो, है ना सर, जैसी
पर वो मुहूर्त देखी तैसी जी, जी ये मेरी अपनी भावना मैं है। आपको दिखा सर, मैं भी कपड़े देखकर ये थोड़ी ना बता रहा हूँ आतंकवादी कौन है। कपड़े देखकर, कपड़े से आप मेरे मन को नहीं पढ़ सकते। नहीं, कपड़े देखकर तो बहुत लोग कुछ पढ़ लेते हैं सर, कपड़े देखकर। देखिए सर, हो सकता आप... है कुछ के पढ़े जा सकते हैं, लेकिन कुछ के मन और कपड़ों में ज्यादा फर्क ना होती। अच्छा सर, सर ये भगवा हाथ में पकड़े हुए काले झंडे दिखा रहे हैं और ममता बनर्जी खड़ी हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी नेता नहीं है ना सर? देखिए मैं तो एक चीज और कह रहा हूँ, मैंने तो कहा कि बंगाल में जिन लोगों का कत्ला मचाया गया तो वो भगवाकारी थे या महाराष्ट्र के लोग थे या वो कोई भी हिंदुत्ववादी थे, जिनको चुनाव के बाद घरों से लगाकर उनके बंदों से काट दिया गया और कत्लेआम तलवार से मचा दिया और बंदी बैठी रहती रही और उसकी छोर से कटवा दी रही। प्रमुख साहब, हो सकता है उन लोगों को दुख हुआ हो, प्रमुख साहब घर में आकर आपके उन पर अपने घर में उनके साथ आपने ये किया तिलक जी, तो उनके घर में जाके कौन गाना डालेगा? अच्छा आप कुल मिला के बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि नहीं दीदी? और दीदी देखिए, देश के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री हैं और हमेशा है? बिल्कुल शब्द शब्दों के साथ बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं और मर्यादा में बोलते हैं। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करें, मैं तो वो याद दिला रहा हूँ आपको, पश्चिम बंगाल दीदी, ओ दीदी। मैं भी बोलता हूँ, मैंने भी बोला ममता दीदी। नहीं ममता दीदी बोलते हैं, ये देखिए कि वो बोलते किस तरीके से है, किस तरीके से दीदी ओ दीदी। अगर संजीव भाई बोलने की बात करो तो आप जैसे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए आप और आपके नेता बोलते हैं तो उसके अपेक्षा हम कुछ नहीं बोलते। अभी ऐसे अगर हम बोलने लगे तो क्या डिबेट जो है वो रूप ही कुछ और होगा। हम लोग सुनने वाले हैं, आप लोगों की गालियां सुनते हैं, आप लोगों के दबाव सुनते हैं, नहीं आपके ट्रेन को घेरते हुए आ रहे हैं। आप इतने अच्छे वक्ता हैं, पूरा प्रदेश ये देखता हुआ आ रहा था। प्रमुख साहब क्यों डिबेट को डील कर रहे हैं आप? इतने अच्छे वक्ता हैं तो मुस्लिम हाथ कराओ और भोट हम कर दो। आप इतने अच्छे वक्ता हैं राहुल, मैं समझाता हूँ, रुकिए। आप देखिए संजीव चौधरी, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, गुस्सा नहीं। कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। प्रमुख साहब आप अच्छे वक्ता हैं, सुनिए मेरी बात। थोप रहे हैं गुस्सा, एक साढ़े चार वर्ष में मुझे तिलक दी, इस प्रदेश में पांच वर्ष में एक दंगा की नहीं है, आप सात वर्षों में देश में दंगा की नहीं है। अरे हिंदू मुस्लिम प्रदेश के प्रदेश कट गए और राज्य के राज कट गए, कोई पूछने वाला था? आप प्रमुख साहब को भड़का रहे हैं, आप भड़काइए मत प्लीज। प्रमुख साहब बहुत अच्छे वक्ता है, रुक जाइए एक मिनट। राहुल लाल, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा? प्रमुख जी नाराज हो जाते हैं पता नहीं क्यों मुझसे। मैंने तो यही कहा कि खेला होगे कि नहीं ममता दीदी के आने से, खेला होगे। सवाल तो आपने काफी अच्छा, सवाल तो आपने काफी अच्छा पूछा। और देखिए एक तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से ममता बनर्जी आके चुनाव प्रचार कर रही है, देखिये एक तरह से खेला होबे वाले पॉलिसी तो हमें लग रहा है कि वो काफी हद तक हो चुका है वो, और वो हो भी रहा है वो। देखिये खेला होबे का मतलब तो मैं ये मानू वही लोकतंत्र में जनता अपने मत की सरकार चुन रही है, और जब सरकार चुन रही है तो सत्ता पक्ष के पास सवाल भी पूछ रही है और सत्ता पक्ष को उन सवालों के ऊपर आना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि खेला एक तरह से लोकतांत्रिक खेला यहाँ पे हो रहा है, इसमें कहीं पर शक वाली बात नहीं है। इसकी चुनौतियां जैसे ही हम लोग कह रहे हैं, आप एक चीज देखिए, अयोध्या वाले चरण में आसपास में भाजपा के तमाम लोगों को लग रहा था कि वोट प्रतिशत काफी ज्यादा होगा, लोगों में काफी जबरदस्त उत्साह होगा, भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके बावजूद भी आप देखिए वोट प्रतिशत किस रूप में कम रहा। इसका मतलब है कि हिंदुत्व का जो मामला था, पड़ेगा सीधा सीधा बताइए ममता दीदी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं देखिए वैसे स्थिति में एक तरह से अखिलेश यादव की छवि मजबूत होती है, एक तरह से विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उनका छवि का उसका प्रकटीकरण होता है, और राजनीति में हम लोग जानते हैं कि परसेप्शन की भूमिका काफी बड़ी होती है। और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से ये उत्तर प्रदेश में जनता के पास ये संदेश जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने वहां पर अपने दुर्ग में लड़ाई काफी मजबूती से लड़ी, एक तरह से कहीं कहीं वैसे ही लड़ाई लड़ने का प्रयास यहाँ पे अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो वो एक प्रशिक्षण देने का प्रयास है वहां पे। ओके, अभिमन्यु त्यागी, मैं जानता हूं कि ये सब सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और
पत्रकार समझ लीजिएगा कहानी। अब मेरा सवाल को ध्यान से समझिएगा, मैं दूसरे नजरिए से दूसरे चश्मे से देख रहा हूं। दीदी का उत्तर प्रदेश में आना, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं, अखिलेश यादव के लिए प्रचार करना, तमाम बीजेपी के नेता और सपा के नेता इस बात को मानते हैं कि लड़ाई 2022 से ज्यादा 2024 की भी है। अखिलेश यादव अगर मगर किंतु परंतु 2024 में ममता दीदी अखिलेश यादव साथ में आ गए तो खेला हो बे। मैं जानता हूं मैं बहुत दूर का सवाल, देखिए ये तो भविष्य की बातें हैं और बहुत सारे दल हैं अपने अपने राज्य में प्रधानमंत्री के दावेदार बन के लोग चुनाव भी लड़ लें और लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार भी है, पर इस समय उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है वो पूर्ण तौर पे भाजपा वर्सेस जनता का चुनाव हो रहा है। जिस तरह से पिछले 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता चुनाव हुआ है वो इस वाले चरण में भी यही होने जा रहा है। जो गोरखपुर का मठ भी है वो भी खुद योगी जी भी इस वाले चरण में छठे चरण में वहीं के वहीं रहे हैं, वो सातवें चरण की किसी सीट पर शायद गई नहीं है, खुद वहीं घिर गए हैं। उनको बड़ी चुनौती है अपने गढ़ बचाने की, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी लाइव में कमेंट आया, अभी मन्नू जी कमेंट आया लाइव में, उन्होंने कहा अपना घर तो बचा लो, दूसरे के घर को बाद में देखना। हमारा घर तो देखिए, हमारा घर तो बचा हुआ है, लेकिन घर तो असली बचाना भाजपा को है, वो सवाल भाजपा वालों से है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि घर तो बचा ले, आपको पूरी उम्मीद है कि सपा तो आ रही है? उम्मीद ही नहीं है, तय हो चुका है क्या? कि भाजपा सरकार जा रही है तो सपा आ रही है, और कांग्रेस किंग है या फिर किंग मेकर रहेगी। अब उसमें जो भी तय होगा जनता तय कर चुकी है। अच्छा, किंग मेकर या फिर किंग, ये तानाशाही सरकार जा रही है इतना तय हो रहा है। आप भी मान रहे हैं इसका मतलब कि तानाशाही सरकार जा रही है चाहे जो भी आ रहा है, लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किंग मेकर बनने जा रही है। मेरे कंधे पे बंदूक क्यों? कांग्रेस पार्टी, आपने तो कहा, मैंने अभी आपने तो कहा है किसका मतलब सपा आने वाली है। आपने कहा कि आपने कहा बीजेपी जा रही है, मेरे को लगा कि आप कह रहे कि सपा आ रही है। किंग मेकर है, भाजपा का जाना तय हो चुका है, भाजपा का जाना, क्योंकि यहाँ इन्होंने किसानों को परेशान करा। ओके राहुल, खालिस्तानी का अरे किंग नहीं, दूसरी तो नौकरी मांगने वाले छात्रों पर राइफल की बटों से इन्होंने मारा। अब एक और खबर बता देता हूँ राहुल गांधी से जुड़ी, मैं सुनिए, गोरखपुर गया, खलीलाबाद में संजय सिंह मिले, आम आदमी पार्टी वाले प्रभारी, पता क्या कह रहे थे कि सत्ता की चाबी मेरी जेब में चल रही है और अखिलेश यादव को कुछ सीटों की जरूरत पड़ेगी तो हम समर्थन करेंगे। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि तमाम जो छोटे छोटे घटक हैं वो सभी लोग एक तरह से अगर वैसे गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। अभिमन्यु जी अभिवाला भी नहीं कह रहे, लेकिन अगर उस समय सीटों की संख्या घटेगी तो कांग्रेस का भी समर्थन समाजवादी पार्टी को जाएगा। मैं थोड़ा इस सवाल के पता आऊंगा, मैं आपने एक तरह से जो अभिमन्यु जी से जो सवाल पूछा मैं ममता बनर्जी को लेकर, थोड़ा मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा। 2024 का बड़ा अच्छा शानदार सवाल था आपका। देखिए, ममता बनर्जी जो चुनाव प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट क्या है? वो एक तरह से विपक्ष में कांग्रेस का जगह लेना चाह रही है और एक तरह से पूरा का पूरा गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रही है। वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक उभरते हुए नेता के रूप में देख रही है और वो तमाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका चुनाव प्रचार है वो कांग्रेस को ही चुनौती देने का प्रयास है, इसमें कहीं कोई दाएं बाएं वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि भविष्य का मामला है, लेकिन जो उनका मनसा है वो मनसा वही है। अब जो सवाल बचा कि इस समय आप जो संजय सिंह जो आपको कह रहे हैं या फिर अभिमन्यु जी जो कह रहे हैं, तो स्पष्ट है कि तमाम जो दल है इस तरह के वो उन सभी को लग रहा है कि अगर गठबंधन की स्थिति होती है तो फिर संभवतः चाबी उनके पास भी होगी और उनको भी पूछा जाएगा। तो ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि स्थितियां किस तरफ जा रही है। ओके, लेकिन एक बात संजीव चौधरी जी, खेला होबे ममता दीदी के आने से कि नहीं होबे? देखिए, खेला तो जब दीदी पहले आई थी तो इनका खेला तो पहले ही कर गई थी वो। अब तो इनका बैंड बजाने के लिए आई है वो दोबारा से। और प्रमुख साहब, अभी मौका है, घर वापसी कर लीजिए, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। कहां इन गलत लोगों में पड़े हुए हो? ये केवल हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, घर वापसी, ये केवल मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, इससे अलावा इनके पास कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है।
अभी आप यूक्रेन की बात कर रहे थे, मैंने एक बेटी की वीडियो देखी, मैं उस वीडियो को देख के मुझे खुद आंसू आ गए थे। आप उस चीज को नहीं दिखा रहे, आप उस चीज को नहीं बोल रहे, केवल अभी हमारे राहुल लाल जी बड़े भाई बोल रहे थे। मैं उनसे सहमत हूँ कि जो बॉर्डर पे बच्चे आ गए उनको अंदर लाके भाई भाई लूटना चाहते हो, लेकिन जो बच्चे, उन बच्चों के बारे में दिखाइए, उन बच्चों के बारे में बात कीजिए, उन जो बच्चे फंसे हुए हैं, वो मुझे खुद रोना आ गया था एक बच्चे की वीडियो देख के, वो इतना तड़प रही थी। और आपकी सरकार को और मोदी जी को और आपकी तमाम कैबिनेट को इतना कोस रही थी कि मैं कह बता नहीं सकता इस चैनल के ऊपर। मैं उसकी पूरी वीडियो कम से कम 10 बार देख चुका हूं, 10 बार, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही। आप केवल जो बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और जो बॉर्डर क्रॉस करने की स्थिति में है, उनको भैया वहां से बैठा के और आप अपने देश में अंदर ला करके वाई वाई लूटना चाहते। आप पूरी एक सिस्टम तैयार किया और वहां माइक से बोला कि ये मोदी जी के द्वारा लाए जा रहे, एक पूरा प्री प्लानिंग, इसको प्री प्लानिंग से भी महाप्री प्लानिंग कहा जाएगा। चुनाव में असर पड़ेगा इसका, ये कह रहे चुनाव में बुला रहे हैं आप। ओके, एक सेकंड, आपको जनता को मैं दिखाता हूं, एक और छोटे भाई हैं, वो बेटी की वीडियो जो आई है वो क्लियर हो चुकी है, क्या चैनल पर तिलक जी बैठे हैं, वो किसी सपा के नेता की थी, वो भी आ गई बारे में, और वो प्लान से कराया था, शायद अरेस्टिंग की भी बात है। नहीं, सपा की नहीं है, देखिए झूठ मत बोलिए। और प्रमुख साहब, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। वो एक अकेली वीडियो नहीं है, वो सैकड़ों की संख्या में दबन साहब, सैकड़ों की संख्या में ऐसे वीडियो लगातार हम लोग देख रहे हैं। कई सारी बच्चियां बैठी हुई है बेचारी, वो कई सारी बच्चियां, उसमें सपा का कोई खेला नहीं है, खेला तो आपका है, खेला भारतीय जनता पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का खेला है, और खेला आपका ये जनता आपका इतना बुरा, मैं कहता हूं आपको 50 सीट भी नहीं मिलने जा रही है। फिर मुख्ताब आप नोट कर लेना, आपका खेला इतनी बुरी तरीके से हो चुका क्योंकि जनता में त्राही मची हुई है, और आप अपना रैलियां कर रहे हैं और आप अपना वोट मांग रहे हैं, आप अपने घर को बचाने पे लगे हुए हैं। रैलियां आप नहीं कर रहे क्या, आप रुके हुए क्या सरकार में, तिलक की सरकार में? आप रुके चौधरी साहब, आप उनको क्या कर रहे हैं, आप कर रहे क्या 4-4 दिन सरकार में? ये लोग हैं बड़े भाई जी, सरकार में ये लोग हैं, काम इन्हें करना है, हमारे हाथ में क्या है, आपके हाथ में बताओ क्या है? अगर आपको इतना दुख और दर्द दिखाई दे रहा है आपको, तो चौधरी साहब बोलिए कि कल से हम प्रचार नहीं करेंगे, जब तक सारे बच्चे वापस नहीं लौट आते हम प्रचार नहीं करेंगे, कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी कोई तादाद नहीं है झूठ बोलने की। अच्छा, झूठ बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने इस देश को ठग लिया, इस देश को बेच लिया, पूरे देश को खा गए, इस देश में आग लगाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ट्राई मचाना चाहते हैं, पता नहीं चाहते इन भारतीय जनता पार्टी की तो बीमारी का ही नहीं पता कि इनके बीमारी क्या है, ये देश तक चाहते क्या है। अच्छा, क्या चाहिए इन्हें? अच्छा, इन्हें चाहिए क्या, इन्हें चाहिए क्या? ओके ओके, पैसे लेके गुजरातियों को भगा देते हैं विदेश, आप इनको कह रहे हैं आप नहीं रोक पाएंगे ना? नहीं रोकेंगे, इनको जनता रोकेगी, इनको जनता रोकेगी, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, उत्तर प्रदेश से ही खेला इनका होगा। और ये तिलक जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके सामने कि 23 तक आते आते इनकी केंद्र की सरकार गिर जाएगी, 23 तक आते आते इनकी केंद्र की सरकार गिर जाएगी। प्रमुख साहब जल्दी से, फिर मैं अभी मनु त्यागी और राहुल लाल आपके पास आ रहा हूं, कुछ दिलचस्प तस्वीरें देखिए। तिलक जी 2 मिनट अब तो लेनी पड़ेगी मुझे, संजीव भाई ने बड़ा जोर लगाया। पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी ये देना चाहूंगा कि मैं नहीं, मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस प्रदेश में इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हम दोबारा सरकार बना चुके हैं। अब लीड की लड़ाई है और वो लीड जो है 2 चरणों में जितनी बढ़ा लेंगे उतनी अच्छी है। ये ख्वाब अच्छा है आपके लिए, और मुझे बड़ा हर्ष लगता है कि जब ये लोग कहते हैं कि हमने उनसे भी समर्थन ले लिया, देखना सबके, और हमें वो भी समर्थन देंगे और वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, वो आप देख लीजिए। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये 300+ की सरकार पूरा नहीं हो पाएगा, दोहराने जा रही है। राहुल लाल तो आप जो है हतोत्साहित ना हो,
परेशान ना हो। नहीं मैं वही जानना चाह रहा हूँ ये सपा का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। एक महत्वपूर्ण पहलू को लेकर चर्चा होगी, ईवीएम पर उंगली उठेगी, आज ही आपको बता कर जा रहा हूँ। संजीव चौधरी प्रमुख साहब गुस्सा नहीं रखेगा, इसके सिवा कोई हिंदुस्तान के पास प्रमुख साहब बेला चमेला कुछ हो लिया आप लोगों का प्रमुख साहब गुस्सा नहीं। आप समझिए समझिए मेरी बात, एक मिनट राहुल लाल, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने उत्तराखंड में भी ये बात कही थी कि हम बीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उत्तराखंड में भी बीएसपी को नजरअंदाज नहीं कर सकते और उत्तर प्रदेश में भी जब सुनामी आई, आंधी आई, तूफान आया तो एक वोट परसेंट 15-20% हमेशा मायावती के साथ खड़ा रहा। देखिए इसमें कोई शक नहीं, और विशेषकर जो अभी दो चरण है जहां पे अभी चुनाव कल होने वाला है और 7 मार्च को होने वाला है, उसमें भी एक तरह से बीएसपी एक प्रमुख घटक है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि गोरखपुर में बहन मायावती जी की रैली हुई और उस रैली में जिस तरह से काफी ज्यादा जो है कि मजबूती से भीड़ पहुंची, तो वो है, अगर वो एक्टिव हो जाती है जमीन पे तो उनके एक तरह से उनका फिक्स कैडर है उनका। और उसमें भी देखिए जो जाटव जाति है वो उनके साथ बड़ी चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। गैर जाटव को तो चलिए बीजेपी भी अपने खेमे में करने का प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी भी अपने खेमे के तरफ लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो एक फैक्टर बनी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर के क्षेत्र में वो जिस तरह से मजबूती से आई है वो उस कारण से कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी समीकरण बिगड़ते हुए दिख रहा है और कुछ कुछ स्थानों पर समाजवादी पार्टी का भी समीकरण बिगड़ रहा है। तो वो समीकरण बिल्कुल वो बिगाड़ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा नुकसान अभी इस चरण में हम देख रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है उनके मजबूत होने से। एक मैं कुछ और तस्वीरों का भी जिक्र करना चाहूंगा, अभी मन्नू त्यागी मैं आपके पास आऊं, आ रहा हूं चौधरी जी, लेकिन मैं प्रमुख साहब कुछ तस्वीरें दिखाना, प्रमुख साहब प्लीज जल्दी। देखिए प्रमुख साहब, आपने जो ईवीएम की बात की बस उस पर बोलूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब की बार ईवीएम पे किसान कान से ऊपर लाठी लेके बैठा हुआ है, किसी भी उस पर चले जाइए तो आप भूल जाइए वो ईवीएम का रोना, ईवीएम में गफलतबाजी नहीं हो पाएगी। किसान लाठी लिए बैठा, लाठी कान से ऊपर की लाठी लिए बैठा, ये मैं आपको याद दिला दूं। आज 10 के बाद बात करेंगे, 10 के बाद डंडा गोली बारूद यही तो किया आप लोगों ने, समाजवादी नहीं, डंडा क्राइम गुंडे पाल के आप लोगों ने बैठा है। अच्छा एक मिनट, चौधरी जी हो गया ना, चौधरी जी वक्त कम है। चौधरी साहब हो गया ना, अब हो गया, एक मिनट प्रमुख साहब, ये ईवीएम वाली बात 10 के बाद करेंगे, 10 के बाद वो भूला नहीं है। अब म्यूट हो गया, एक मिनट प्रमुख साहब, म्यूट कर दिया। अब रुकिए, आवाज दबाने का इरादा नहीं था मेरा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, आप नाराज मत होइएगा, सबको वक्त मिलेगा। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था, मैं कुछ तस्वीरों के साथ आगे आऊंगा, वो डीएम के बोर्ड वाली तस्वीरें आई हैं अभी आपने प्रमुख साहब मुझे दिखाया ना, देखो मैंने भगवा पहना है, आपने मुझे खड़े होकर दिखाया, देखो मैंने भगवा पहना है। मैं भगवा से जुड़ी हुई एक तस्वीर दिखाता हूं आपको, ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, इस तस्वीर के पीछे दो तस्वीरें हैं, एक आवास है जिला अधिकारी अयोध्या का, ये हरे रंग का बोर्ड लग रहा है, और दूसरा है पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा अयोध्या का एक और बोर्ड आपको दिखाई देगा जो जिसमें दिखाया गया है कि पहले बोर्ड लगा हुआ था अयोध्या का, बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं, ये विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है, लेकिन ये जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार के आवास के बोर्ड का रंग बदल दिया गया है। जिलाधिकारी का बोर्ड पहले भगवा रंग का था, भगवा हुआ करता था, और आज अचानक जो है बोर्ड जो है वो हरे रंग का हो गया, हरे रंग का। प्रमुख साहब को प्लीज स्क्रीन पर लीजिए,
प्रमुख साहब ये पीछे मैं पूरी तरह दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आपको दिख रहा होगा पहले ये भगवा रंग का था, जैसे आप कह रहे थे ना, देखिए भगवा रंग का मैंने गमछा पहन रखा है, और अब ये हरे रंग का हो गया जिलाधिकारी का बोर्ड। सत्ता के बदलते रंग देख रहे हैं आप, सोचिए सत्ता के रंग बदल रहे हैं, ये अफसर भी पाला बदल रहे हैं क्या? नहीं, ये आपने कर लिया, ये अच्छी बात है, मीडिया की कवरेज है, इसके लिए आप बधाई, शानदार। और भगवा की बात अगर करें तो सरकार से उसका कोई मतलब नहीं है, भगवा सनातन धर्म संस्कृति की पहचान है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन अवसर इस देश की सर्वोपरि और इस हिंदुत्व की और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत वर्ष की पहचान है, ये भगवा पहचान है। नहीं नहीं, किस भगवा, आप देखिए सर, किसी अवसर में आपने कभी सोचा कि भगवा रंग को हटा के हरा रंग लगा दिया गया? आपको अफसोस नहीं हुआ? हो सकता है, देखिए हो सकता है किसी की क्या चूक हो सकती है, क्या सोच हो सकती है। आजकल संजीव भाई जैसे सरकार माने का सपना देख रहे हैं, इनका कोई कार्यकर्ता जब किसी की बिल्डिंग कब जा सकता है, किसी नहीं का मर्डर कर सकता है। आप देखिए संजीव जी तो चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसम बदलता देख हरा रंग कर दिया उसको? नहीं, हो सकता रात में रात जान के कर दिया हो, जांच का विषय है, जांच होगी, जेल चले जाएंगे, जेल चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, भगवा हटा दिया इसलिए। इस तरह से किया, अगर जिलाधिकारी का बोर्ड बिगर किसी वजह से बदला गया है, हाँ, बिगर किसी कानूनी प्रक्रिया के बदला गया है, तो वो जेल जाने का काम है। ये सत्ता के रंग बदल रहे हैं आपको लगता है? नहीं, सत्ता से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ओके, ये तो ओके ओके राहुल लाल, तिलक जी राहुल लाल, अभी तो बतेरा टाइम है, 10-5 दिन में सारे रंग ना बदल देंगे तिलक जी, ये इसे सत्ता से जोड़ के ही देखेंगे। देखिए नौकरशाही किसी की नहीं होती है, वो जिसकी आबो हवा होती है वो सुनते रहते हैं, वो जमीन पे काम करती है, उन्हें पता होता है किस रूप में क्या चीजें हो रही है। ये देखिए, वो एक तरह से देखिए इनके सरकार में भी जो इनका डिलीवरी सिस्टम गड़बड़ रहा, वो इन्हीं नौकरशाहों के कारण गड़बड़ रहा। और आप देखिए जिन नौकरशाहों के ऊपर इतना भरोसा किया गया पूरे 5 साल में, वो देखिए अभी जनता, अभी 10 मार्च आया भी नहीं, उसके पहले ही वो दूसरे पक्ष की चापलूसी में लग गए हैं। तो एक तरह से ये एक तरह से चापलूसी दिखा रहा है कि वो अब बदलाव के हवा की तरफ वो खुद को अपने आप को मोड़ रहा है, और जो नई बनने वाली सरकार है उधर भी वो अंक अपना अंक लगातार जोड़ने में लगे हुए, कि कुछ मंत्र उधर भी पहले ही जोड़ लिया गया 10 मार्च के पहले ही। अच्छा, अब एक और बयान सुना देता हूँ, वक्त बहुत कम है। वो बयान है मौर्य की बेटी जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, और कैसे संगमित्रा मौर्य ने अपनी नाराजगी का इजहार किया, प्लीज जरा उसको भी प्ले करिए, और फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूँ आपसे। हमला हुआ है ये पिताजी नहीं कह रहे हैं, ये सड़क पर दिखाई दे रहा है, गाड़ियां किस तरह तोड़ी गई हैं, लोगों के सर से किस तरह खून बह रहा है, लोगों के पैर किस तरह टूटे हैं, इवन हमारे पिताजी को चोट किस तरह आई है। वो भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। और आज मैं खुलेआम यहाँ पर आकर के कहती हूँ कि फाजिल नगर की जनता 3 मार्च को ऐसे हुड़दंगियों को सबक सिखाएगी, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भारी मतों से विजयी बना करके उनकी दबंगई को उनके घर में बंद करवाएगी। और इतना ही नहीं, ये सुना आपने प्रमुख साहब, कुछ पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य का फैक्टर का असर, कुछ पड़ेगा? नहीं, सुना भी है, देखा भी है और समझा भी है, सब प्री प्लान है, प्री प्लान और पूरा क्लियर हो चुका है। जिनके पिता भूमिका बना के गए, तो बेटी की मजबूरी है, उसे पिता के साथ रहना ही रहना है। अच्छा, वो प्री और प्लान जैसे आप नहीं समझा रहे थे, पूरा प्रदेश जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितना बड़ा ढोंगी है। अच्छा, मायावती जी के साथ क्या किया, ढोंगी आप ही के साथ, और तीसरी जगह लगाई गई, ये ढोंगी तो पागल नहीं है तिलक जी, ये ढोंगी तो ढोंगी को आप ये ढोंगी तो आप ही के साथ थे, अगर ये ढोंगी है तो। अरे हम हमने ढोंगी साबित तो कर दिया ना,
अच्छा हमने होने नहीं दिया कुछ। अच्छा आप ये बेला जो करना चाहते थे, बेला जो करना चाहते थे, पांच साल में कुछ नहीं कर पाए आपने। ठीक है, ऐसे साबित किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए आपने। अपने उसी घर मुझे याद आ गया आपने आपने परेशान होने वाली क्या बात है प्रमुख साहब। हमने साबित किया है, जनता को हमने बताया है कि पांच वर्ष में कोई मिनिस्टर या कोई नेता दागी नहीं हुआ। देवेंद्र जी उनके बेटे को निष्कासित तो कर दीजिए। कोई किसी को उनके बेटे इस तरह से अच्छे से अनुशासनहीन बयान दे रही है, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दीजिए। वही तिलक जी रह पाएगा। अच्छा प्रमुख साहब गुस्सा मत होइए, मैं तो ये कह रहा था कि ये आपने कहा ढोंगी, ठीक वैसे ही जैसे आपने मुझे बताया था कि वो ओवैसी पर हमला हुआ था वो भी ढोंगी है, वैसे ही वाले नहीं। ओवैसी का हमला खुल तो गया, ओवैसी भी ढोंगी, लोग खोलने वाले हैं, पता तो लग गया सारा, ये भी खुल जाएगा। अच्छा आप रुकिए, तीन दिन से काम कर रही है, चार दिन से मौर्या जी की बेटी तीन दिन से चार दिन से जाकर जिस पार्टी के लिए काम कर रही है, निष्कासन कर दीजिए ना। इतना बड़ा बयान बोल दिया, कर दीजिए। चार आदमियों को अपने आदमियों से लाठी लगवा कर रोने गाने लगे तो ये पागल नहीं है जनता। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, तो भाई अनुशासन अनुशासनहीनता के आरोप में आपको निष्कासित कर देना चाहिए ना। आपने कभी भी उनको अपने पार्टी में एक तरह से महिला पोस्टर दल बना के रखा हुआ है उन्हें। राहुल लाल जी वो महिला है, महिला को प्रायोरिटी देना भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। आप देखिए मैसेज आ गया, कह रहे वरुण गांधी जी के बारे में नहीं होती, इतने पर डिसीजन नहीं होना चाहिए। प्रमुख साहब कह रहे वरुण गांधी, वरुण गांधी के बारे में पूछ लीजिए, सांसद है, कह रहे वरुण गांधी के बारे में। चलिए थैंक यू सो मच, दबाव में आकर वक्त ये बयान दे दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमुख साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल आपका भी। लेकिन छठे चरण का मतदान, अब 13 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है इसी चुनावी रण में, अब देखिए होता है क्या। कल फिर हाजिर होंगे सुबह से नॉनस्टॉप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर, यह महाकवरेज जारी होगी, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी पूर्वांचल का हाल आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।